विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे मतदान कार्मिकों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण डीडीओ विश्वविद्यालय के कला संकाय भवन में मंगलवार को भी जारी रहा, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि कार्मिकों के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण का तीसरा दिन है तथा कार्मिकों को ईवीएम मशीन के संचालन सहित मतदान कराने की प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी जानकारी दी जा रही है और यह प्रशिक्षण 28 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर के द्वारा कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनका टेस्ट भी लिया जा रहा है तथा सभी कार्मिकों को आयुष काढ़ा का किट भी वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, के दौरान मशीन की पोजीशनिंग एजीडी वैसे ही होगी जैसे कि रियल पोल के दौरान होता है। मतदाता के कंपार्टमेंट में मतदाता का आइटम रखवाया जाता है, मतदाता से रिलेटेड कुल 4 आइटम, मशीन में 2 यूनिट बैलेट यूनिट और वीवीपैट एक दूसरे से सटा के रखे जाते हैं। बैलेट यूनिट को वीवीपैट के पीछे जोड़ दिया जाता है और वीवीपैट का काला नाप खड़ा किया जाता है और एरोक्रास सील एक रखी जाती है और एक इंक पैड। उस केस में जब यदि आपके बूथ पर कोई टेंडर वोट का केस जनरेट हुआ तो उसके समाधान के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोट डाला जाता है। आपके बूथ पर इकलौता यही एकमात्र वोट है टेंडर वोट जो बैलेट पेपर के जरिए पड़ता है, बाकी सबका सब मशीन है। तो मतदाता का जो आइटम है वो उसके कंपार्टमेंट में होना चाहिए और जो जियो थर्ड का टेबल है उस पर कंट्रोल यूनिट रखी जाती है और जो वीवीपैट से निकलने वाली केबल है वो कंट्रोल यूनिट के पीछे आकर के लगा दी जाती है और उसके बाद मशीन को ठीक 5:30 बजे आपको ऑन कर देना, चाहे अभिकर्ता आया हो या ना आया कोई इंतजार करना नहीं है आपको। उसकी जरूरत अभिकर्ताओं की तब पड़ेगी जब आप मार्क कोडिंग करा रहे हैं, पहले आप मशीन को अपने सिस्टमेटिक कर रहे हैं इसकी ये काम कर रहे हैं तो 5:30 बजे मशीनों को कनेक्ट किया, काला नाप को खड़ा कर लिया और मशीन को पीओ थर्ड के टेबल पर ऑन कर दिया। तो ये तो मशीनों की पोजीशनिंग है और उसके बाद जो आप लोगों की पोजीशनिंग मार्क कोड के दौरान होगी कार्मिकों की, तो उसमें जो पीओ थर्ड का टेबल है उसमें पीओ थर्ड उस समय नहीं बैठेंगे, पीठासीन अधिकारी बैठेंगे मार्क कोड सर्टिफिकेट ले करके। उसके बाद वो जो कंपार्टमेंट है वहाँ कंपार्टमेंट में जहाँ भी यू रखी है, मान लीजिए यहाँ भी यू है तो यहीं से लाइन कर्ताओं को लगवा दीजिए जो आए हैं होगा मार्क कोड के दौरान। इसलिए ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपके टीम में सबसे अच्छा कार्मिकों का प्रशिक्षण चल रहा है, क्या क्या जानकारी दी जाए? हाँ, कार्मिक का जो प्रशिक्षण है आज तीसरे दिन चल रहा है, ये 2 शिफ्टों में कराया जा रहा है। इसमें ईवीएम और जो उस दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उसके साथ P1, P2, P3 की जो ड्यूटीज़ हैं जो उनके काम करने हैं जो फॉर्म बनने हैं उसका पूरा संपूर्ण प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है और ये 28 तारीख तक चलेगा। और इसमें जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं वो उनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, बाद में एक टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको स्टेशनरी का एक थैला भी दिया जा रहा है, आयुष की कोविड किट सरकार द्वारा दी जा रही है कोविड के प्रबंधन को लेकर। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण कला संकाय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में चल रहा है। दिनांक 20 से यह मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण चल रहा है। नियम यह है कि द्वितीय प्रशिक्षण के समय ही डाक मतपत्रों को डलवा लिया जाए, प्राप्त कर लिया जाए। वहाँ पर हम लोगों ने 9 फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं और उन केंद्रों पर दिनांक 20 और 21 को जो डाक मतपत्र पड़े हैं उनका एक विवरण मैं शेयर करना चाहता हूँ। कैंपियरगंज में 112, पिपराइच में 100, गोरखपुर अर्बन में 418, गोरखपुर ग्रामीण में 284, सहजनवा में 164, खजनी में 122, चौरी चौरा में 82, बांसगांव में 158 और चिल्लूपार में 216। इस प्रकार से कुल 1656 डाक मत पत्र अब तक पड़ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि
मतदान कार्मिक पूरे उत्साह के साथ अपने डाक मतपत्र सुविधा का उपभोग करेंगे और 10,000 से अधिक डाक मतपत्र प्राप्त होंगे। मेरा सभी कैंडिडेट से जो इस निर्वाचन में उम्मीदवार हैं उनसे और उनके निर्वाचन एजेंट से अनुरोध है कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे अपने एजेंट को वहां पर भेज दें। सायंकाल 6 बजे तक मतदान होता है। मतदान के बाद प्रत्येक फैसिलिटेशन सेंटर का अर्थात प्रत्येक विधानसभा का जितना भी डाक मतपत्र प्राप्त हुआ रहता है उसे एक बड़े लिफाफे में भरकर सील कर उसी दिन ट्रेजरी के डबल लॉक में रख दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक पारदर्शी प्रक्रिया है। मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो भी हमें सुन रहे हैं वे भी आकर इस प्रक्रिया को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।